महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल का एक बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। ये रेल की पटरी पर औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद जो शहर है महाराष्ट्र का, वहाँ छत्तीसगढ़ के मजदूर पैदल ही 40 किलोमीटर चल करके आकर रेलवे ट्रैक पर आकर के बैठ गए थे, थक करके, सोच करके कि शायद यहाँ कोई अब रेल नहीं आएगी, क्योंकि रेल आती तो हम लोगों को लेके जाती। और उसी कि आस में ये बैठ करके थक गए थे, तो इनके साथ खाना वगैरह सब बंधा हुआ था और इनको नींद की वजह से ये लोग लेटने लगे थकने की वजह से। तो इन्होंने कहा चलो आगे हम फिर बाद में बढ़ लेंगे, थोड़ा यहीं बैठ जाते हैं। और इनको नींद सी आ गई, उसी झोंके में जो है रेलगाड़ी जो कि पटरी पर मालगाड़ी दौड़ती हुई आई और उसमें ये 18 मजदूर कट करके ये मरने की खबर जो है। और इनकी रोटियां सामान सब ये बिखरा हुआ है, जिस रोटी के लिए ये लोग घर से इतनी दूर गए हुए थे और जब इनको लॉकडाउन की वजह से साधन नहीं मिल पा रहा था तो ये सब लोग पैदल ही चल दिए और 40 किलोमीटर की थकान के बाद ये बैठ गए। और इस बैठने में कोरोना से तो इनकी मौत नहीं हुई, लेकिन ये बुरी तरीके से कुचल करके रेलगाड़ी से कट करके ख़त्म हो गए। ये दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है और ऐसी घटनाएं मजदूरों के साथ हर रोज़ कहीं ना कहीं रोड पर या कहीं और हो रही हैं। हम मजदूरों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप जहां हैं वहीं रहें, अपनी परेशानी को अपने स्थानीय जो जिस इलाके में रह रहे हैं वहां के थाने में जाकर के अपनी दर्ज कराइए और अपनी सरकारों को जो उनकी हेल्पलाइन नंबर या जो भी दूसरे हैं वो थाने से सहायता लेकर के थानेदारों से कहिए साहब हमारी मदद कीजिए, किसी तरीके से हमको पहुँचना है या जो भी हमको खाना परेशानी आ रही है उसमें मदद कीजिए, लेकिन इस तरह से ना निकलें। क्योंकि ऐसे रोड हादसा अभी परसों मथुरा में ही 7 लोग एक कुचल करके एक गाड़ी ने और टेम्पू से कुचल करके 7 लोग मार दिए, वो छतरपुर के लोग थे, मथुरा से जा रहे थे। ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं। एकलव्य मानव संदेश से जुड़ने के लिए आप हमारी अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक बटन दबा करके जुड़िए, और अगर साइड में आप अगर हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसकी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और एकलव्य मानव संदेश अनुरोध करता है कि इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सभी लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। हमारे रिपोर्टर बनकर के आप हमारे साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि हादसों से बचने के लिए उनका सुरक्षित रहना जरूरी है और सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है।